बढ़ गया दिल। सीएम अरविंद केजरीवाल का इंतजार, 19 जून को होगी अगली जमानत याचिका पर सुनवाई। केजरीवाल की कोर्ट से मांग, मेडिकल जांच के समय पत्नी सुनीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रहे मौजूद। केजरीवाल की मांग पर ईडी ने मांगा कोर्ट से विचार करने का समय। कोर्ट ने कहा जेल प्रशासन करेगा फैसला, केजरीवाल किसी एजेंसी की हिरासत में नहीं। पवन खेड़ा का मोदी सरकार पर हमला, बोले इस सरकार में कोई किसी भी चीज की नहीं लेना चाहता जवाबदेही। बताया यूपीए के समय केवल आरोप लगने पर दे दिए जाते थे इस्तीफे। के पाठा के तबादले पर भड़के बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, बोले ट्रांसफर से नहीं चलेगा काम, सजा देने का काम करे सीएम नीतीश कुमार। भागवत के बाद इंद्रेश कुमार के बयान पर सांसद संजय सिंह का बयान, बोले माँ बेटे में शुरू हो चुका है झगड़ा, कहा बेटे ने माँ का त्याग करने का कर लिया फैसला। इंद्रेश कुमार के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया, पूछा आरएसएस को कौन गंभीरता से लेता है, बोले जब बोलने का समय था तब संघ ने साधी थी चुप्पी। इंद्रेश कुमार के मामले को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बताया बीजेपी का आंतरिक मामला, कहा इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। गरमाता जा रहा है नीट घोटाले का मामला, सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कदम, केंद्र और एनटीए को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की मीटिंग, सभी मंत्री रहेंगे हाजिर, राज्य के लिए ले सकते हैं बड़े फैसले। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बोले बीजेपी ने आरएसएस को किया किनारे, कहा खराब हो चुके हैं दोनों के रिश्ते।